Rochelle Rao. Are you guys excited to meet our performers for the day? Yes! Yes! I am. Yes! And today's amazing performers are Ravi Gupta from UP, Rasik Maharaj and Dixit Maharaj from Bhuj, Gujarat, Siddhant Lama from Siliguri, Akhtar Hindustani from Indore, and Jay Chaniara from Gujarat. Put your hands together for them. Up. Double dose of fun lekar aa rahe hain the laughter doctor in the house. Inki handwriting kaise bhi ho, inka humor spontaneous hai. Hamare laughter ke surmao ko creativity ka injection lagane aa rahe hain laughter ke sarpanch Dr. Tushar Shah. कैसे हैं तुषार जी? इतने सालों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आप बिल्कुल जस के तस हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए वो थोड़ा सा फर्क आया। शेखर जी, सबसे पहले मैंने आपको स्मॉल स्क्रीन पर नीलाम घर सीरियल में देखा था। जी 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 जी। उसमें एक आपने सवाल पूछा था, उस सवाल को लेकर चार पंक्तियां पहले सुनाता हूं। जी। कि अपने ही टेलीफोन पर कभी अपना नंबर मिलाकर देखा है? वाह वाह वाह। बिजी टोन मिलेगा, नियमों का लेखा है। बहुत खूब। दूसरों से मिलने जुलने में सभी मस्त हैं, खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त। डॉक्टर साहब, यू आर अमेजिंग, आई ऑलवेज लव यू। अर्चना जी, आपने अपने नाम के साथ अर्चना जी अपने पिताजी का नाम जोड़ा है, पूरण सिंह जी का। जी। जब भी आप ऑटोग्राफ देती होंगी उन्हें बड़ा गर्व होता होगा। वरना आजकल के माँ बाप कहते हैं कि बच्चों की परवरिश में अब तक हमारी तो कोई खता नहीं, पर कल को लोग इनके ऑटोग्राफ लेंगे या फिंगरप्रिंट्स, ये पता नहीं। अर्जुन जी, मेरी क्लिनिक है और उस क्लिनिक में तीन प्रकार के लोग आते हैं, एक रिजर्वेशन वाले, एक आरएससी और एक तत्काल। अच्छा। एक तत्कालीन पीड़ाग्रस्त शख्स आए और मेरी रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा कि धीरज रखिए मिस्टर मेहरा, मैं समझ गई आपको क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है। डॉक्टर शाह ने कितनी बार मना किया है कि पाइल्स का मलम और बाम बाजू बाजू में ना रखा। क्या बात है सर। और कुछ मरीज होते हैं वो रिसेप्शनिस्ट से बार्गेनिंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो डॉक्टर साहब से कहिए कि अपनी फीस में कंसेशन दें, और दूसरे उनके पास जिस रोग की दवाइयों के फ्री सैंपल्स हों वही रोग डायग्नोस करें। अच्छा, और अच्छे। और हमने नोटिस लगा कर रखी है वेटिंग रूम में कि मरीज एक दूसरे को अपनी सिम्टम्स ना बताएं, अदला बदली ना करें, फिर अंदर आकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक 90 साल के बुजुर्ग एक प्रेग्नेंट लेडी से बात कर रहे थे वेटिंग रूम में, आधा घंटा बात की होगी, बाद में वो क्लिनिक के अंदर आए। मैंने उनसे पूछा, जनाब नाम बताएं। बोले अभी तक रखा नहीं है। शेखर साहब, आपकी तरह मेरे भी शादी के कई साल हो गए जी। हादसा हनीमून सुनाता हूँ। साल पहले की बात है। मेरी पत्नी और मैं अंडमान के एक छोटे से टापू पर समंदर के किनारे बैठे हैं। शाम ढलने को है और ढलता हुआ सूरज अपनी रोशनी चांद के पास छोड़ने को तैयार हो रहा है। क्या बयां किया है यार। समंदर की लहरें थपकियां दे देकर किनारे को सुला रही हैं। हाय हाय, ब्यूटीफुल। हवा की सरसराहट को लोरी समझकर मछुआरों की खाली कश्तियां डोल रही हैं। हाय हाय हाय, इतने में जी मेरी पत्नी मेरी बांह पकड़कर मेरी और करीब आकर अपने सर को मेरे कंधे पर रखकर अपने होठों को मेरे कानों से लगाकर कहती है, तुमने आज फिर गीला तौलिया पलंग पर छोड़ दिया। जनाब, हवाएं थम जाती, लहरें सिकुड़ जाती, सिकुड़ जाती। सूरज नहीं डूबता, कश्तियां डूब जाती हैं। और हवा की वो सरसराहट मुझ पर तरस खाकर उस गीले तौलिए को सुखाने चली जाती है। थैंक यू। हमारे साथ बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं। पहले
रवि जी, आप पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे, आप दिल्ली में रहते हो, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मुझे कुछ खास अंतर नहीं लगा। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर दिल्ली में झगड़ा होता है तो लोग बोलते हैं कि तू मेरे बाप को नहीं जानता, और हमारे यहाँ झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि साले तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बाप को भी मारेंगे। पहुंचे रसिक जी और उनका बेटा, दोनों आए हैं। रसिक जी, आप दोनों प्यार की बात करने वाले हैं या तकरार की? मेरी शादी हो गई है, प्यार की बातें हो ही नहीं सकती अभी। दीक्षित, और बाप बेटों की एक बात नहीं होती ढंग की, तो हम कहां प्यार की बातें करेंगे, टकरार की बातें होंगी ना। इन दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, कहना बेमतलब है। मेरी बीबी सही है और बाकी सब गलत है। सही है। बाप बेटों की तकरार में कौन सही है, कौन गलत है, कहना बेमतलब है। बाप का झूठ बेटे का सत्य है, अपना अपना मत है। जैसे योग गुरु की कोविड दवाइयां प्राचीन ज्ञान का दरिया है या पैसा कमाने का जरिया है, अपना अपना जरिया है। और यहाँ हमारे अख्तर हिंदुस्तानी साहब हैं। अरे, इनकी तो क्या बात। आपका यहाँ आने का मकसद क्या है अख्तर जी? तरीके तीन है बताने के। बताइए तीनों। एक तो खड़े होके, अच्छा, एक बैठ के, और एक इस तरह लेट के। लेट के। डिस्काउंट सुम डन 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 डन, हमारी भी डन, हमारी भी डन। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ दिया था। वाह, क्या बात है, याद है, याद है, बिल्कुल याद। बस हंसाने का काम है, बस हंसाने का काम है, काम ये भी बदनाम है। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत आंसू लगते हैं, बहुत आंसू लगते हैं, पीड़ा लगती है, अच्छे अच्छे नाकाम हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस आम है, जब ये इल्जाम है तो हंसी को देंगे हम जो उसका मकाम है। और शेखर अर्चना, वाह, जो दुनिया में जी जी के जा रहे हैं ऊपर उनका मरना हराम है। बस हंसाने का काम है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आज के हमारे पांचवे कलाकार हैं जय छणियारा, जय गुजरात से हैं। जय, आप शेर व शायरी में माहिर हैं, एक शेर सुना दीजिए। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार जय। मैं जिस शेर ने मुझे जय छनियारा बनाया वो कहना चाहता हूँ चार लाइनों में। इरशाद। कि जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया। वाह। जीने का मतलब मैंने मोहब्बत में पा लिया, जिसका भी गम हुआ उसे अपना लिया, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, आप रोकर भी गम को हल्का ना कर सके, मैंने हंसी की आड़ में हर गम को छुपा लिया। जय, तुम्हें बहुत मिस किया है इतने सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने 2G सुना होगा, 3G सुना होगा, लेकिन गुप्ता जी के बारे में नहीं सुना होगा। तो अपनी मजेदार बातें लेकर आ रहे हैं रवि गुप्ता जी फ्रॉम यूपी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, लोगों को जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं, वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो कोई मेरे पापा से पूछता है कि गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या है, तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है, और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया, ऐसे बोल रहे जैसे जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, कबाबी। ये सुन के मैं टूट जाता हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के सामने जाके गाना गाने लगता हूँ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो माँ कहती है हाँ, माँ कहती है। और देखो, ये दोनों मुझसे इतने ज्यादा निराश है, इसके पीछे रीजन, बचपन से ही मैं पढ़ाई में कमजोर था,
अर्चना जी, मेरी मैथ बहुत कमजोर थी। हाँ। मेरी मैथ इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई थी। मैं स्कूल में कभी कोई प्राइज नहीं जीता। लाइक एक बार मुझे मिला था कॉन्सोलेशन प्राइज। अच्छा, कॉन्सोलेशन प्राइज पता है क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद आता कॉन्सोलेशन प्राइज। हिंदी में उसे कहते हैं सांत्वना पुरस्कार। सांत्वना, वो टीचर भी बच्चों को भीख में देता है जब उसको लगता है इसको दो नहीं मर वरना जाए यार ये। देखिए शेखर जी, अभी भी मैं लाइफ में कुछ खास कर नहीं रहा हूँ। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे पता चल गए थे लोग मुझे निकालने वाले। पहले ही छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मेरा उस काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज के लिए बनाऊ। पर मैं चीज आप लोग को बता दू, अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा तो जरूरी नहीं तुम किसी और चीज के लिए बने। जरूरी नहीं। अच्छा। हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे। मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तब ने मेरे पास जॉब नहीं। पर मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। और देखिए, जब मेरी जॉब चली गई तो मुझे अपने बारे में पता चला। लाइक अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूँ। मुझे पता ही नहीं था, ये बस मुझसे काम करवाए जा रहे थे। अब मुझे मिल गया हैबिट, अब मैं पढ़ा रहता हूँ। सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूब जाता है, ये मैं देख रहा हूँ। और मैं बाहर जाके लोगों से बता रहा हूँ कि दोस्त सिर्फ कहावत नहीं, मैंने देखा है पूरा प्रोसेस। मेरी बॉडी में पेन रहने लगा लेटे लेटे, तो मेरे दोस्त ने बोला भाई ये थायराइड की सिम्टम, जाके टेस्ट करवाओ। मैंने टेस्ट करवाया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। आप लोगों को आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया। शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है, मैं उठ के चौंक जाता हूँ, अरे शाम हो गई, फिर सोना पड़ जाएगा। और मैं सो जाता हूँ। बट देखिए, घर पे पड़े रहने का एक नुकसान है, मैं मोटा हो रहा हूँ। उसके दो रीजन, एक तो मैं पड़ा हुआ हूँ, दूसरा रीजन है मैं खाता बहुत हूँ। अच्छा। मुझे खाते खाते भूख लग जाती। और ऐसे नहीं, मैं से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मैंने 2 बार जिम ज्वाइन किया और दोनों बार दो दो दिन में छोड़ दिया। अच्छा। ये मुझे मोमोज खाने से मना कर रहे थे। 4 दिन मोमोज नहीं खाऊ हाथ पैर कांपने लगते हैं मेरे। एक बार तो मुझे मोमोज वाले ने डांट दिया कि इतना नहीं खाना होता बे। और देखिए शेखर जी, जब भी आप जिम ज्वाइन करते हो तो जो वहां का ट्रेनर होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें गालियां देता है कि तुमसे हो गई नहीं, तुम्हारे बस के नहीं पुशअप्स करना, क्या करने आ गए। तो लोग एफर्ट मारते, मैं बस मान जाता हूं। हाँ, आई एम लाइक, इसने 4 साल से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा यार। मैं मंदिर चला गया और भगवान के सामने जोर जोर चिल्लाने लगा कि तू कैसा भगवान है, तू आदमी को बिना दौड़ाए 10 किलो कम नहीं कर सकता। शेखर जी पुजारी मुझे टिप दे रहा है। हाँ। बोला भाई तू एक काम कर, तू स्विमिंग कर। हाँ। स्विमिंग करने से वेट कम होता है। हाँ। अरे बात सही है, आप स्विमिंग करो वेट कम होता है, बस तुम्हें पानी में जाते ही मजे ना आने लगे। हाँ। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ। हाँ। मैं पानी में जाता हूँ और कच्छे में हवा भर लेता हूँ। और बाजू वाले को बोलो ब्रो देख कछुआ। देख गायब हो गया, देख अभी फिर आएगा। तो अपना चल रहा है, चल रहा है। कॉलेज मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, वहां पे मैं लूजर ही था। जैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। हाँ 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 लोग
लोगों में खुसर फुसर होने लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड बहुत प्यार करता था मैं उसे, वो भी मुझे बहुत प्यार करती थी ऐसा वो बोलती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन से बोला कि रवि शादी के बाद भी तुम मुझे उतना ही प्यार करोगे ना? मैंने बोला हाँ हाँ। बोली ठीक है दिसंबर में है मेरी शादी। देख मेरा दिल टूट गया। पर उसी टाइम कॉलेज में एक नई लड़की आई थी, मुझे वो पसंद थी, जूनियर थी। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ पसंद नहीं था। कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं लंच पे जाऊं। उसने कई बार मुझे समझाया, पीटा भी, पर मैं जिद्दी आदमी, मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरी अभी भी उस लड़की से बातचीत होती, उसके बेटे का नाम शुभम है। नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक फॉर निगेटिव थिंग्स। हाँ मतलब अब ऐसा कि पैदा हो गए हैं तो जी ही लेते हैं। मैम अब अगर मेरे पास किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है मैं खुद ही बोल देता हूँ फेक आईडी होगी। कस्टमर के से मेरे पास फोन आया, हेलो मैं उसे सुमन बोली आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने बोला सुमन वो सब छोड़ो, पहले बताओ तुमने खाना खाया? मैं लाइफ में बहुत अकेला हूँ। मैं लाइफ में इतना अकेला हूँ मैम कि मेरी पीठ पे साबुन लगाने वाला कोई नहीं। हाय हाय। तो मैं साबुन दीवार पे चिपका लेता हूँ। और अपने हिसाब से नहाता हूँ। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि साबुन फिसल के फंस जाने का खतरा है। That's my time. Thank you so much. You guys are lovely audience. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. बहुत अच्छे रहे। वैसे तो हमेशा जो तमाम पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनकी तीव्रता के लिए उनको मार्क्स दिए जाते हैं। आज आपको मार्क्स आपके आलस्य के लिए दिया जाए। ओहो मुझे तो हैरत हो रही है कि आपने स्टैंड अप कैसे चुना, आपको तो बैठ के करना चाहिए। आप फिजिकली हो ना हो आलसी हो लेकिन मेंटली बहुत एजाइल हैं। क्या बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और रवि विदाउट मेकिंग एनी मच एफर्ट यू हैव on this stage given us some gems which are wonderful. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Gym ke bare mein hamdard hain hum log. Acha. Patni ji kehti hai ki why don't you join some gym or aerobic classes. Aur yahan apna to ye haal hai ki whenever I feel like exercise I lie down till the feeling passes. Passes. ये आप जो हैं तो कॉमेडियन लेकिन आपका ये अंदाज रॉकस्टार, बाल वाल जो एकदम रॉकस्टार की तरह, तो कोई कंफ्यूजन है या चक्कर क्या है? देखिए अर्चना जी मैं अटेंशन का भूखा हूँ। हाय हाय। तो मैंने बाल इसीलिए बढ़ाए हैं। अच्छा। मैं बता रहा हूँ कैसे। हाँ। मैं हर दोपहर में नहाने के बाद तौलिया लपेट के छत पे जाके बाल सुखाता हूँ। और मैं कुछ दिनों से हाँ। मैंने नोटिस करना शुरू किया है कि बाजू वाली छत पे तीन चार लौंडे घूरते रहते। धीरे धीरे हाँ। मैं रोज जाके बाल सुखा रहा हूँ और वहां लड़के बढ़ते जा रहे। मैंने उनके मकान मालिक से साठ गांठ कर ली। अच्छा। वहां लड़के बढ़ रहे हैं, यहाँ मेरी कमीशन बढ़ रही। बस मैं वेट कर रहा हूँ हाँ। जिस दिन मेरा मकान मालिक से झगड़ा हुआ हाँ। उसी दिन मैं पलट जाऊंगा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गुप्ता जी आपने मजा मजा लगा दिया। थैंक यू सो मच। समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। सो लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। वेल डन, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक योर सीट। मुसीबत का पहाड़ इन पर टूटे तो भी ये अपनी मजेदार एटीट्यूड से इसे तोड़ देंगे और अपने ह्यूमर से लोगों का दिल
जोड़ देंगे। प्लीज वेलकम जय छनियारा फ्रॉम राजकोट। जय की जय हो। नमस्कार शेखर जी। नमस्कार अर्चना जी। पाई लग। वाह पाई लग। थैंक यू। पाई लग। रास्ता ऐसा तय हो गया है कि पर्वत को भी मुझसे भय हो गया है। मुश्किलों ने बहुत राह रोकी पर मंजिल का सफर तय हो गया है। और जिन हाथों में पैदा होते ही लिखा गया था पराजय, वही पराजय आज घिस घिस कर जय हो गया है। बहुत अच्छा। शेखर जी आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले चाइना के प्रधानमंत्री भारत आए थे जिनपिंग। मेरा दोस्त बोला चाइना के तो आ गए अब ओरिजिनल कब आएंगे। पहुंचे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अच्छा जय वंडरफुल। अर्चना जी आपको पता है अभी धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। हाँ। लोग धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। हाँ। नहीं तो कोरोना के टाइम पे तो ऐसी हालत हो गई थी कि अगर फेसबुक पे बर्थडे की भी फोटो डालो हाँ। तो दो तीन लोग ओम शांति लिख के चले जाते। बहुत सही। और कोरोना ने और कुछ किया हो या ना किया हाँ। पर इंसानियत जगा दी जी। हाँ। टेस्ट तुम करो और प्रार्थना आजू बाजू वाले करते। और अर्चना जी आपको पता है हमारी महिलाएं भी बड़ी चतुर और झांसी की रानी होती। बिल्कुल। ये तो अच्छा है गैस का सिलेंडर लोहे का होता है। हाँ। वरना हमारी महिलाएं पेस्ट और क्रीम की तरह उसे दबा दबा कर गैस निकाल दे। शेखर जी आपको पता है पूरे विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जहाँ गुजराती ना हो। हमारे गुजराती में एक कहावत है जिया जिया वसे एक गुजराती त्या सदा काल गुजरात। वाह वाह। गुजराती लोग डबल दिमाग रखते हैं। एक दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ था यहाँ हारमोनियम तबला ढोलक ड्रम सब मिलता है। नीचे लिखा हुआ था बंदूक भी मिलती। मैंने कहा क्यों? बोले आज आप यहाँ से हारमोनियम ले जाओगे ना हाँ। कल आपका पड़ोसी बंदूक ले जाए। हमारे पड़ोस के कांजी भाई मंदिर गए बिना फल के। तो पंडित जी ने कहा रोज तो तुम फल लाते हो आज क्यों नहीं लाए? कांजी भाई बोले भगवान ही कहते हैं ना कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर गुजराती चाहे हर चीज में आगे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक नहीं कर पाए। उल्टा ही। और तुषार जी हमारे यहाँ के तो डॉक्टर भी बड़े कमाल के होते हैं। एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगा हुआ था नए केस का 200 रुपया पुराने केस का 100 रुपया। पेशेंट ने सोचा यहाँ तो हर रोज कितने आते। डॉक्टर को नए पुराने केस के बारे में क्या पता चले। डॉक्टर साहब मेरा पुराना केस है। अच्छा लाओ 100 रुपये। डॉक्टर ने 100 रुपया ले लिया। बोले जो पिछली बार लिख के दिया था ना वही दवाई चालू रखो। अर्चना जी मैं और मेरी मम्मी बस में चढ़े। मैंने कंडक्टर से कहा एक पूरी और एक आधी टिकट दे दे। कंडक्टर मेरी तरफ देख के बोला घूर के तेरी तो पूरी ही लगेगी। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी तो मूछे निकल आई। मैंने कहा कोई बात नहीं मेरी मम्मी की तो मूछे भी नहीं है मेरी पूरी दे दो और उसकी आधी दे। दुनिया ने हंसाया रुलाया मुझको किस्मत ने ठोकरे खिलाई मुझको जब पत्थर से सितारा बन के चमका मैं तो हजारों सितारों ने गले से लगाया मुझको। थैंक यू वेरी मच। जय बहुत सरस परफॉर्मेंस। बहुत सरस। आपका अंदाज आपकी स्वीटनेस और आपकी हर चार लाइनों में जो आपने पंच मारे हैं ना माइंड ब्लोइंग। बहुत जय। जय तुम जय भी हो।
और विजय भी। वाह वाह। और तुमने ये साबित कर दिया, where there is a will, there is a way. Thank you so much. बहुत जय गुजराती हैं और पैसा बचाना उनको ठीक से आता है। बिल्कुल। तो जय आसान तरीके बताओ पैसे बचाने के। पैसे बचाने के सबसे आसान तरीके दो जी। एक, आप बैंक में पैसा रख सकते हो और दूसरा महिलाओं को संभालने के लिए दे सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। पर कितना है बैंक से वापस मिलता है? सुना तो था कि गुजरातियों के पास हर सवाल का जवाब होता है। मैं ही पूछना चाहती हूँ, वो कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं? मैम, गाठिया फाफड़ा और जलेबी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। आए हाय। इसीलिए तो मैम, जब हमारे गाठिया फाफड़ा और जलेबी को फॉरेंसिक लैब में अमेरिका भेजा गया तो वहां से भी जवाब आया, 5 किलो सैंपल और भेजो, मजा आ गया। मेरे जैसी कोई बैठी होगी वहां पर भी। बोला आने दो आने दो। क्या आजकल इतना हेक्टिक स्केड्यूल हो रखा है, आप भी गुजरात बम्बई करते हैं, तो इस हेक्टिक स्केड्यूल में जीते कैसे? हेक्टिक शेड्यूल मुंबई के लिए नहीं, यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है। इसका मैं आपको एक नमूना बताता हूँ। मैं अपने दोस्त के घर मेहमान बन के गया तो मेरे दोस्त ने अपने लड़के से कहा, हमारे घर पे मेहमान आए, जा बेटा मेहमान के लिए बाहर से कुछ लेके आ। लड़का गया और टैक्सी लेके आ गया। यहाँ की भाषा बहुत अनोखी और निलाली के हर चीज में टच शब्द डालने की आदत। टच। कल मैं अंधेरी स्टेशन गया, टच करके आ गया। टच। ऑफिस गया, टच करके आ गया। दोस्त के घर गया, दोस्त नहीं था, भाभी को टच करके आ गया। इस मासूम चेहरे के पीछे बहुत शरारत है। बहुत शरारत है, बहुत शरारत भी है। शेखर जी, मेरी पत्नी गुजराती हैं, मुंबई में पली बड़ी, लेकिन मराठी ठीक से बोलती नहीं। जब भी हमारी मेड के साथ वो बात करती हैं तो 4 भाषाओं की भेलपूरी परोसी जाती है। कुछ इस तरह, ए सुवर्णा इकड़े आओ, इकड़े आओ, इकड़े आओ, मने सांग, मने सांग, तेरे को परत सुट्टी कशाला हवी छे। गुजराती मराठी में भेलपुरी। फिर अभी तो 9 दिवस गामे गेलेली होती। ओके। 9 दिवस। 9 दिवस तारी वाट बघता बघता माझी वाट लागलेली। तू तेने इकडे बोलाओ, तारा सेठ डॉक्टर कशाला झाले। बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर। So let's hear it one more time for Jay Chaniara, ladies and gentlemen. अपने अनोखे अंदाज से मचाने अपने फनकारी का शोर आ रहे हैं अक्सर हिंदुस्तानी फ्रॉम इंदौर। साहिब आलम शेखरुद्दीन सुमन, मलिका ए आला, अर्चना परमीत सेठी, जानकी अमान पाऊं तो आपके हुजूम में कुछ अर्ज करूं। हुजूर। चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि गीला वीला, गीला वीला, गीला वीला, कीचड़ वीचड़ जगे जगे जल होने में, ये महीने 2-3 बचे हैं मुझको बादल होने में। चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि गाड़ी गाड़ी मेरी झनकार हैं आप, मेरी सांसों की तार हैं आप, अगर फनकार हूँ मैं तो मेरी रफ्तार है। हमारी भी डन के गीला वीला, कीचड़ वीचड़
हम तो हंसते हैं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखकर, और तुम बताओ हंस रहे हो किसको देखकर? क्या? हाँ जी, गीला वीला गीला वीला कीचड़ वीचड़ जगह जगह जल होने में, ये महीने दो तीन बचे हैं मुझको बादल होने में, इन हाथों के पत्थर से ये दुनिया घायल होने में, यारो थोड़ा समय तो दो पूरा पागल चलो यहाँ से शुरू करते हैं। बुरी 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 नजर वाले, तेरा मुंह काला मैं झुकेगा निसाला, अख्ता अख्ता राज बहना दे हथकड़ी लगा दे ताला, मैं झुकेगा नहीं साला, बेमुद्दत बे 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 बेमुद्दत दिनों का एक हिसाब बाकी चल रहा है। अच्छा, अब उन कर डालेगा नाइट में उजाला, मैं झुकेगा नहीं साला। यकीन जानिए, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं कि भूखे हैं जमाने से कहने कहाँ गए, और घर की गरीबी अपने घर में दबा गए। मैंने तराशा पत्थरों को चांद की तरह, रोटी समझ के तीनों बच्चे चबा गए। अरे वाह, अभी रमजान में हमने भर लिए ठेले पे केले। अच्छा, केले पे केले हम बेचते हैं अकेले ना के दुकेले, और निकल जाते हैं मोहल्ले में इस तरह आवाज लगाते हैं कि एले 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 ले ले एले ले 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 ठेकेदार मीठे मट ठेकेदार मीठे मट ऊंचे कद के केले, ऊंचे कद के केले और ठेले पे मेरे सब भुसावल के केले, केले महाराष्ट्र में मशहूर है भुसावल, भुसावल के केले बहुत मजबूत केला भुसावल का, केले ले 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 केले ले 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 हटा डाले हटा डाले हटा डाले बेगम ने पील पीले केले, अच्छा हटा डाले और जमा डाले ठेले पे तंदुरुस्त केले, हटा डाले हटा डाले हटा डाले बेगम ने पील पीले केले और जमा डाले ठेले पे तंदुरुस्त केले, ये सुनेंगे अख्तर जी जी, ये सुनेंगे अख्तर, इनको सुना। हाँ हाँ सुना सुना सुना, इधर शेखर जी तो इधर अर्चना, और बहुत लंबा है इन दोनों के दामन का पना, और खत्म ही नहीं हो रहा इन दोनों का बचपना। अख्तर मत कर किसी को मना, और ऊंची इमारत बना, ले 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 हटा डाले बीवी ने पील पीले केले, जमा डाले केले पे तंदुरुस्त केले, तीन लो छह लो या बारह भेले, मिटाता है मैदे के सारे झमेले, तीन लो छह लो या बारह भेले, मिटाता है मैदे के सारे झमेले, किस सादगी से दुनिया का एक ऐसा फल है जो 100 बरस का बुजुर्ग, 80 बरस का, 110 बरस का, 60 बरस का, छोटे नन्ने मुन्ने मासूम जो अभी हुए नहीं ना, वो भी ले लेते हैं। किस सादगी से अकेले अकेले, किस सादगी से, किस सादगी से अकेले अकेले, किस सादगी से अकेले अकेले
बिंदा तो वाला भी गाप गाप ले ले लल्ला लुल्लु 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 ले ले हटा डाले बीवी ने पिल पिले गे वाह अख्तर कमाल 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 यही से शुरू करते हैं कि केले 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 करके तुमने कितने पेले यार सर ये तो सिर्फ सर मेरा केला था अब्बू जान का केला तो नहीं गया अभी लेकिन तुम में एक अजीब किस्म का नशा है यार और वो नशा धीरे धीरे चढ़ता है और चढ़ता है तो क्या सर पे चढ़ के बोलता है पर हो तो तुम अलग यार और मैं इस बात के लिए तुम्हें खड़े होकर सलाम करना चाहूं बहुत ही झंडाटेदार आपने इंदौरी अंदाज में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी है इतने सालों में मैंने इतनी यूनिक परफॉर्मेंस कभी नहीं देखी इतने सारे फनकार और कलाकार हमारे हिंदुस्तान में हैं लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म इतने सालों बाद क्यों आया कि ऐसे फनकार हमको देखने को मिल रहे हैं इतनी देर में आप लोग जहां हैं लेकिन अब यहां हैं एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट सो थैंक यू टू दिस शो फॉर ब्रिंगिंग दिस टैलेंट हियर अख्तर जी सर मैं तुम्हें गले से लगाना चाहता हूं जब तक ये दुनिया रहेगी अख्तर हिंदुस्तानी का नाम चमकता रहेगा ठीक है वाह 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 अख्तर साहब आपका पसंदीदा मौसम कैसा है बारिश बारिश जब वो मेरी छत टप 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 बारिश का मौसम हमारी बेगम साहिबा हमसे कहती हैं बारिश का मौसम लगभग लग चुका है बलम हाय हाय टपके का इंतजाम कीजिए तुरंतरम टपके का इंतजाम कीजिए तुरंतरम क्या बात है चद्दरें लगेंगी चार कड़क 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 कड़म कड़क कड़म कड़क कड़म वरना पूरे घर में पानी टप 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 टपकमम 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 तपेला तपेली जाग माग लोटा लोटी डरम वरम ये हमेशा पूरे घर में लगाना पड़ते जगा जगा जगम जगम बारिश का मौसम क्या बात है तुम्हारी कसम वाह अख्तर हिंदुस्तानी आपने जो इस मंच पर जो समा बांधा है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया जी शुक्रिया Let's hear it for him once again, everyone. Woo! बाप एक नंबरी तो बेटा दस नंबरी लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट की डबल सर्विंग लेकर आ रहे हैं रसिक महाराज एंड सन दीक्षित महाराज वैसे अर्चना जी शेखर जी मैं आपको बता दूं कि ये मेरे असली बाप हैं अबे असली क्यों बोल रहे तेरा बाप हूँ शेखर जी बोलना पड़ता है क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं ना कोई भरोसा नहीं करता हम दोनों बाप बेटे ना हमारी शक्ल मिलती है ना सूरत मिलती है मैं भी नहीं मानता हूँ ये मेरे असली बाप इसलिए मैं मेरे मैचिंग का बाप ढूंढ रहा हूँ शेखर जी आप मुझे गोद ले लो अरे वो खुद इस चक्कर में मुझे कोई गोद ले लेंगे तो अर्चना जी आप मुझे गोद ले लो वो खुद सोनी टीवी की गोद में बैठी है तो
रोसेल आप ही मुझे गोद ले लो। अरे क्या कह रहे, गोद ले लो गोद ले लो। तू कॉमेडी करने आया या गोद भराई करने आया है? आप करो, शुरू करो, कॉमेडी शुरू करो, चलो शुरू कर दे। चले कहते हैं, बुझी को रा कहते हैं, और जिनको देख के मूड खराब हो जाए उन्हें मेरा बाप कहते हैं। मैं इनको यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप सब भी इनको देख के हंस सको। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे लेके आ रहा था, इसी में इन्होंने मेरी नाक कटवा दी। अरे क्या नाक कटवाई मैंने तेरी? क्या नाक कटवाई? अच्छा जी, ट्रेन के अंदर बैठे थे, टी सीन के पास आया, टिकट देख के बोलने लगा, साहब आप यहाँ गलत ट्रेन में बैठे हो, ये ट्रेन मुंबई नहीं चेन्नई जा रही है। तो मैंने बरोबर तो बोला, मैं बोला ये मेरे को क्यों बता रहा है, ये ड्राइवर को बता, गाड़ी वो चला रहा है। अब इसी चक्कर में हमको उतार दिया, और ये भाई साहब ट्रेन के आगे पटरियों पे चल रहे हैं, और पीछे से ट्रेन वाला विसल मार रहा है, तो बोले अभी कितना भी बुलाओ मैं तेरी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अबे इसको क्या मालूम, वो बैठाने के लिए बोल रहा था अंदर। अरे बुला नहीं रहा था, बोला था हटो, सामने भैंसा खड़ा होगा तो गाड़ी ऐसे कैसे जाएगी। अरे बाप की इज्जत कर, इज्जत। इसको अर्जुन जी 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेकर दिया था। अरे क्या, खुद के लिए लिया था, यूज करना नहीं आया, मेरे को दे दिया। अरे वो चलाना तो आता है लेकिन खुलता नहीं था ना। खुलेगा कैसे, अभी इनका मुंह देखो, उसमें फेस आईडी आती है। इनका मुंह देख के मेरी माँ घर का दरवाजा ना खोले। फोन का लॉक क्या तंबूरा खुलेगा? अरे इसकी बात का तो नाम ही मत लो। कच्छ में इतना बड़ा भूकंप हुआ अर्जुन जी, सबसे ज्यादा मेरा ही नुकसान हुआ। क्यों? पत्नी बच गई। और ये भाई साहब जिनके ऊपर गिरी ना, वो 4 जन मर गए। और ये जो हमारे यहाँ पे भूकंप हुआ ना, उससे भी पुराने ख्याल आते हैं इस आदमी के। हाँ? अगर मैं किसी लड़की से 2 मिनट भी बात करूँ ना तो शक कर लेते हैं। अरे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात करने के बाद जो 15-20 हजार खर्चा आता है ना, वो मेरी जेब से जाता है। खर्चा तो होता ही है ना अभी। अरे इसको बोलता हूँ लड़की पटानी चाहिए, लेकिन तुम खर्चा करो ऐसी नहीं, वो तुम्हारे पे खर्चा करे ऐसी। ऐसी लड़कियां नहीं होती, क्या समझे? अरे मैंने पटाई है। अच्छा? हाँ। क्या मेरे को प्यार से बुलाती है? क्या बुलाती? जानू, शीटू, बाबू, गोलू, मोलू। ऐसा नहीं बोली होगी, ऐसा बोली होगी गधू, गेंडू, भैंसू, हिप्पू, ऐसा बोली होगी आप? वो लंदन की है, लंदन की। घाट के ऊपर गए नहीं हो, लंदन की बातें करते हो? अबे इंटरनेट पे पटाई है मैंने। इंटरनेट? हाँ। अच्छा शेखर जी, लंदन में उसके 10-12 बंगले, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ों की बैंक बैलेंस। नाम क्या? ललिता अंबानी। ललिता अंबानी तो जू पे भी बंगला होगा। 2 बंगले, लोनावला फार्म हाउस। 2 फार्म हाउस है। हाँ, चश्मा वाली डीपी। तेरे को कैसे पता? वो ललिता अंबानी मैं ही हूँ। बाप को बेवकूफ बनाता है। अर्चना जी बेवकूफी है, इतनी पैसे वाली होगी तो हर महीने आपसे रिचार्ज क्यों करवाएगी? हाँ ये तो सोचा ही नहीं। आप है ना मम्मी के साथ ही रहो, पता है आपको? अर्चना जी इनकी इतनी अच्छी जोड़ी है, अभी ये दोनों जन बाहर जा रहे थे घर से, मैंने बोला कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे कथा सुनने जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है चले जाओ। दोनों जन चले गए, मैंने सोचा कितना टाइम हो गया मैंने पिक्चर नहीं देखी, चलो पिक्चर देख के आता हूँ। मैं थिएटर के अंदर जा रहा हूँ, सामने से ये आ रहे हैं, तो आके मेरे को पूछने लगे बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने बोला कुछ नहीं, आप जो कथा सुने उसका प्रसाद लेने आए हैं। थैंक यू, बहुत गुड। संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि लाइक फादर लाइक सन, बाप पे बेटा और सिपाही पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। आप दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत यूनिक है ये फादर और सन की जोड़ी। और आपकी वाइफ, आप उनको एतराज नहीं होता कि ये अब मेरे ऊपर इतने तुम जोक्स मारते रहते हो? नहीं नहीं, उसको पैसे मिलते हैं, वो कवर नहीं मिलता है तो गुस्सा करती है। कवर नहीं मिलता, कवर मिलता है। ठीक है जी, हमारे गुजरात में कवर भी इतना बड़ा, इतना तक हाथ चला जाए 50 रुपया निकलता है। मैं ये आई वांटेड टू आस्क यू, आप आते हुए मुझे क्या किया? क्या बोला? क्या? ऑडियंस को हाय, मुझे फ्लाइंग किस। हाँ? लेकिन मानता कोई नहीं है ना, क्या करूं। रसिक भाई, अर्चना जी प्लीज मुझे भाई मत बोलो, पूरा गांव भाई ही बोलता है मेरे को। चाचा जी आप मुझे बताइए। वहां तो इज्जत थी नहीं, यहाँ भी नहीं कमाई। ऐसा मत करो आप, खाली रस रस केस बोलो खाली। हाँ, रसिक जानू। हाँ, रसिक, आप मुझे ये बताओ
कि आप किसको अपना आदर्श मानते हो? जो भी मुझे उधार दे दे। चलो, let's hear it for them one more time, ladies and gentlemen. Thank you so much. He's not silly, but he's definitely goody goody. Please welcome Siddhant Lama from Siliguri, North Bengal. हेलो एवरीवन। हेलो। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। बॉलीवुड एक्टर्स पिकनिक के लिए एक रिसॉर्ट में चले गए। अच्छा। हर कोई एंजॉय करते हैं, अजय चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। अच्छा। और जाने से पहले अपना कपड़ा जो है हैंगर पर सुखा कर जाते हैं कमरे के बाहर में। लौट कर आकर देखते हैं कुछ कपड़ों में से कच्चे और हैंगर दोनों गायब। अब अजय कच्चा ढूंढ रहे। यही तो रखा था मैंने अपना कच्चा। अच्छा, किसने उठा लिया? सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, लेकिन चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने ही कमरे के बाहर कच्चा सुखाना क्या पाप है ये? हाथा माजी शटकली। साइड से वेटर जाता है। एक्सक्यूज मी वेटर, मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया, देखा तुमने कहीं? भाई मेरे को लगता है आप दारू पे कर नहीं सैनिटाइजर पे कर बैठे ले हो। अपन वेटर नहीं नवाज है। नवाज मेरे भाई, मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया, देखा तूने कहीं? भाई कितने का था अंडरवेयर? 3000 का था। पार्टी वेयर अंडरवेयर था क्या? नहीं नवाज, नॉर्मल रेगुलर वाला की ही मार्केट से लिया था। पर भाई मार्केट में तो एक से बढ़कर एक चड्डी मिलती है, रंग बिरंगे डिजाइनदार इज्जतदार खुशबूदार वाली चड्डी। कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलते हर एक शेप और साइज वाली चड्डी। छोटे बच्चों के लिए स्पेशल डोरेमोन छाप चड्डी और बड़ों के लिए मिलते टाइगर प्रिंट चड्डी। चाहे जितने भी खेलो कबड्डी। चुप कर बे साले। कब से चड्डी चड्डी लगा के रखा है तुझे? चड्डी के बारे में तो नॉलेज कैसे? कहीं मेरा कच्चा तेरे पास तो नहीं? भाई अपन का शकल भी इकोनॉमिक क्लास का है और अपन कच्चा भी इकोनॉमिक क्लास वाला पहनता है। अच्छा। और 15 साल से एक ही है, सुबह पहन तो रात को धोके सुखा देता हूँ। चोर तो क्या, मक्खी भी सामने नहीं आती है। एक बार अपन का पंटर है ना बंटी, उसे सिर्फ टच किया लाता, माँ कसम 15 दिनों के लिए कोमा में चला गया था। मौत को छू के टक से वापस आ गया था। तो फिर रहने दे, अगर मेरा कच्चा तेरे पास होना फिर भी नहीं लूंगा मैं, फिर भी नहीं लूंगा। कॉरिडोर में दोनों की आवाज सुनने के बाद कमरे से फरहान जावेद जी और खिलाड़ी कुमार भी बाहर आ जाते। फरहान गाते गाते आते, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? हेलो अजय, क्या चल रहा है यार? वैसे तो मार्केट में काफी टाइम से कोरोना चल रहा है, लेकिन इस रिसोर्ट में चोरी चल रही है। नहीं सच्ची मां कसम, अबे क्या बात कर रहा है, चोरी? और वो भी इस रिसोर्ट में? अबे क्या और किसका, थोड़ा डिटेलिंग में बता। था एक नीला सा पीला सा वाइट बॉर्डर खोरतमदार इलास्टिक वाला। अबे कच्चा चोरी हो गया मेरा कच्चा, जो कि बहुत ही अच्छा था। अक्षय गन्ना दोस्तों के साथ में 3 पत्ती खेल रहे थे, ताश छोड़कर बाहर आ जाते। अरे ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? हमारे रिसोर्ट में चोरी और वो भी साला आजे का कच्चा। आज ये हादसा आजे के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। अब अजय जावेद जी को पूछते। एक्सक्यूज मी जावेद जी, कहीं आपने गलती से मेरा कच्चा तो नहीं पहना? अरे लाहौर भया हुआ। अरे मैं तुम्हारा कच्चा कैसे पहन सकता हूँ भाई? अरे वैसे तो यहाँ पे सभी जानते कि हमें तो बड़े कच्चे लगते हैं। साइड से चतुर आ जाता प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चतुर नमस्कार। अजय सर, आप हमें बता सकते हैं कि आपके अंडरवेयर में कितने होल थे ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो? मेरे अंडरवेयर में 3 होल थे, एक ऊपर और 2 नीचे टांगे डालने के लिए। सर हर अंडरवेयर में तो 3 होल होते, और कोई निशानी थी?
मैंने पीले रंग का हैंगर पे सुखा के रखा था। हैंगर और कच्छा दोनों गायब है। अरे भाई वो पीले रंग के हैंगर मेरे क्या नाम है भाई, कारपेट चटाई रजाई कालीन के कमरे में देखा था भाई, पंकज के कमरे में। अब सब चले जाते जावेद जी की बातें सुनकर पंकज के कमरे में, डोरबेल बजाते, पंकज भाई, अरे हो पंकज भाई, अजय बोलो क्या बात है। पंकज भाई मेरे कमरे के बाहर से मेरा कच्चा चोरी हो गया है, कहीं आपके कमरे में तो नहीं? देखो लोग हमें कालीन भैया कहते हैं, ठीक है, हमें कालीन पे इंटरेस्ट है, तुम्हारे कच्चे पे नहीं। क्या बात है, और एक बात कह देते हैं, हम चाहे तो दिन भर कालीन लपेट के बैठ सकते हैं पर किसी का कच्चा नहीं पहन सकते। तो फिर आप क्या कच्चा नहीं पहनते हो क्या? देखो उस चीज पे पैसा क्यों वेस्ट करना जो लोगों को दिखते ही नहीं। और अगर अभी भी डाउट हो तो बगल वाले कमरे में कौवा बिरयानी बैठा है, उसके कमरे में जाओ, हमको छोड़ दो बस। वो लोग चले जाते कौवा बिरयानी के कमरे में, डोरबेल बजाते, अबे हमारे कमरे में कौन आ गया भाई? सर लेट मी एक्सप्लेन यू इन माय वे सर, हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे ना, इट वाज लाइक नीलम पीलम व्हाइट बॉर्डरम दमदार इलास्टिकम अजय का अंग वस्त्रम अंडरवेरम। अबे चड्डे ढूंढने आ गया बे, कैसे कैसे लोग रहते हैं शहर में यार, अब तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा कह दे रहा हूँ यार। अब अजय को पीला सा हैंगर दिखा देता, पैनिक हो जाता, यही तो है मेरा हैंगर, और यही कही होगा मेरा कच्चा। अब और टेढ़ी गर्दन वाले आदमी, और बगल वाले कमरे में रणवीर बैठा है, उसको क्यों नहीं पूछते हो बे? रणवीर ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि सिम्बा सिंघम का कच्चा कभी नहीं पहन सकता, क्यों सूर्यवंशी? अबे जो आदमी दीपिका का घाघरा पहन के घूम सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सिद्धांत अगर उत्पल दत्त इसे कहते तो कहते बेटा ये कच्चा का जो थॉट है बहुत अच्छा है। जो आपने किया वो सब लोग नहीं कर सकते, अलग अलग निकाल सकते हैं कि देखिए अभी इसकी आवाज उसकी आवाज इसके, लेकिन व्हेन दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद टीचर और इतनी जल्दी जल्दी आप आवाजें बदलते गए, कैरेक्टर बदलते गए, और जैसे जैसे आप बदलते गए वो कैरेक्टर सब लोग जो है हमारे सामने आते गए ना, दैट्स ए डिफिकल्ट आर्ट विच यू हैव अचीव्ड, सो हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। थैंक यू सर। Yeah, best one that I liked was Pankaj. Oh, oh, thank you, man. Mind thank you. Blowing. Thank you. बहुत बढ़िया। Thank you. लोग बहुत सारी चाइनीज फिल्में देखते हैं। जी सर। अगर हिंदुस्तानी फिल्मों को अगर चाइनीज में डब किया जाए तो how would it sound? अमरीश जी डायलॉग बोल रहे हैं। अरे भाई माथुर। जिस दिन मैं कोई गोरी तिथि देख लेता हूँ ना, अरे उस दिन मेरे अंदर सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते भाई। अरे उस दिन मैं खुश होकर व्हाइट डॉग पीता हूँ भाई। अब यही चाइनीज में होगा तो कैसा होगा? लू शेंग डोंग लिंग शिंग शिंग पे लोक्षी चिक चिक पा, पोंग लिंग शिक चिक पे रोक्षी चिक चिक पा, अरे लोक्षी चिक चिक रोक्षी चिक चिक पा। थैंक यू सर। बहुत खूब। आइए एक बात बताओ। जी सर। तुम्हारे अंदर कितनी आवाजें हैं? सर मैं 30-35 कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं। और आज 5-6 ही दिखाए, 8-10 दिखाए, कुछ एक ऐसी आवाज निकालो जो किसी ने नहीं सुनी। मेरी काफी फेवरेट है, मैं रीति करता हूँ। अच्छा यहाँ पे बोल नहीं सकते? मुझे सब कुछ आता है, मुझे मेरी मिमिक्री मेरे पापा ने सिखाया, मजाक कर रहा था, मैं खुद सीखा हूँ। Thank you so much. Thank you so much. Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. अब कॉमेडी के बाद अब सस्पेंस की बारी. It is duck duck time. Duck duck, duck duck. एक दो धक धक लग रहे, एक दो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे. तो let's look at the scores and see who will go forward and who will go into the holding area. With 82 points, we have Rasik Maharaj and Dixit Bora.
86 points. We have Siddhant Lama. We have Akhtar Hindustani with 88 points and Jay Chaniara with 89 points. And sabse zyada Ravi Gupta with 95 points. So Ravi Gupta and Jay Chaniara, you will be going forward and the rest of you will go into the holding area. And don't forget to tune in to your favorite show, India's Laughter Champion.